हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं इनके तुलसी, क्लास ट्वेल्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 11 अल्कोहल फिनॉल ईथर में आप सभी को क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि मैं आपको आसानी से और खूबसूरत अंदाज में समझा पाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका है फर्स्ट, कहता है क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित यौगिकों के आयुपेक नाम बताइए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, मतलब ये आपका एक प्रकार का कंपाउंड दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर का हम कैसे आयुपेक नाम लिखेंगे? आप इसे आयुपेक नाम बोले या आयुपीएससी नेम बोल सकते हैं, जो बोलना है आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस कंपाउंड का आयुपीएससी नेम क्या होगा, आइए हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए, किसी भी कंपाउंड का आयुपीएससी नेम लिखने के लिए आपको वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स का ज्ञान होना जरूरी है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा, तब तक आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयुपीएससी नेम नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा हम आपको एक समय दे देते हैं, 2 मिनट, और आप उसको ध्यान से समझ लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम लिखने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप विस्तार से जाना चाहते हैं तो आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आप इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आइए अभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रूल क्या है, देखिए, सबसे पहले रूल है वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का आयुपीएक नाम लिखने के लिए यही सबसे बेस्ट इसका क्या है, रूल है। सबसे पहले जानिए वर्ड रूट क्या होता है। सबसे पहले कि कोई भी कंपाउंड दिया हुआ रहेगा तो उस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना प्रेजेंट है ना, उसको बतलाने का, रिप्रेजेंट करने का काम यही करता है वर्ड रूट। मतलब क्या, कोई कंपाउंड है, कार्बन का चेन है, उस कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, जितना रहेगा वह उसके अकॉर्डिंग हम वर्ड रूट लगाएंगे। जैसे मान लें कोई कार्बन में 5 है तो उसके लिए पेंट लगाते 6 रहेगा तो हेक्स लगाएंगे, 4 रहेगा तो ब्यूट लगाएंगे ना। उसी तरह प्राइमरी सफिक्स का काम क्या है कि कार्बन परमाणु किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है कि डबल बॉन्ड से जुड़ा है कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए हम प्राइमरी सफिक्स क्या लगाते हैं, एन ई लगाते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो उसके लिए क्या हम लगाएंगे, ENE लगाएंगे। अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो उसके लिए हम प्राइमरी सफिक्स जो लगाते हैं वह YNE लगाते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्राइमरी सफिक्स का काम क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है, किस बॉन्ड से वह जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है कि वह डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इस चीज़ को वह बतलाने का काम करता है। ठीक है, तो अब देखिए सेकेंडरी सफिक्स का काम क्या है कि उस कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, तो फंक्शनल ग्रुप को बतलाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए सेकेंडरी सफिक्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लें कोई कार्बन चेन में OH अल्कोहल ग्रुप है, OH ग्रुप है, तो OH क्या है, अल्कोहल का ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, उसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाते हैं, जैसे अगर OH लगा हुआ रहेगा तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इसका OL लगाएंगे। एल्डिहाइड अगर रहेगा, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड अगर है CHO, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, AL लगाते हैं। अगर वही एसिड रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। कीटोन रहेगा तो ONE लगाते हैं। बहुत सारा ऐसा ही है जो आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो आप देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स का काम क्या है, इसका काम क्या है कि यह हमेशा वर्ड रूट से पहले लगता है। अगर कार्बन कार्बन परमाणु आपस में रिंग में है, क्या है, रिंग में, मतलब एक दूसरे से क्लोज्ड है, या फिर इस फॉर्म में भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है ना, तो अगर कार्बन कार्बन एटम एक दूसरे से रिंग में कंबाइन है, मतलब जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, साइक्लो। जैसे मान लीजिए अभी कितना कार्बन है, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, तो क्या नाम लेंगे, साइक्लोपेंटेन। इसमें कितना है, 6 कार्बन है, तो साइक्लोहेक्सेन इसमें कितना है, 3, तो साइक्लोप्रोपेन। रिंग होने के लिए कम से कम
3 कार्बन एटम का होना जरूरी है, 3 से कम होगा तो वो रिंग में कभी होगा ही नहीं, ठीक है। और देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम है कि कार्बन कार्बन चेन में कौन सा साइड चेन जुड़ा हुआ है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, तो जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसके लिए हम सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कोई कार्बन चेन में है फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई भी साइड चेन जुड़ा हुआ है, मिथाइल है या सीएल ग्रुप है या कोई भी ग्रुप है, तो उसके लिए हम सेकेंडरी प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, इस कार्बन में ये कार्बन चेन है, इसमें हमने लगा दिया क्या OH लगा दिया, और यहाँ लगा दिया हमने CH3 लगा दिया, ठीक है, CH2। और एक यहाँ EV लगा दीजिए, CH में एक लगा दीजिए CL, तो क्या देख रहे हैं कितना कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है 4 है, तो 4 के लिए क्या यूज करेंगे, वर्ड रूट ब्यूट यूज करेंगे, कौन किस बॉन्ड जुड़ा हुआ है, सब सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या लगाएंगे AN लगाएंगे। अब देखिए सेकेंडरी सर्फिस का काम क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो उस कार्बन चेन में, तभी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है OH, मतलब अल्कोहल का, अल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं OL लगाते हैं, तो O वोबेल है तो E क्या होगा हट जाएगा, वोबेल लगा तो E हट जाता है, तो क्या हो गया ब्यूटेन वन ऑल, या हम वन नहीं भी देंगे तो इसमें जोड़ सकते हैं एक साथ, ठीक है। अब देखिए ये क्लोरीन और मिथाइल ग्रुप है, सब क्या है प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो ये क्लोरो हो गया, ये क्या हो गया मिथाइल हो गया, ठीक है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर से चलेंगे, तो पहले सी आता है तब एम आता है, तो क्लोरो कितने स्थान पे है, नेमिंग करेंगे, नेमिंग उस साइड से किया जाता है जिस साइड से किसी फंक्शनल ग्रुप वाले को या साइड चेन वाले को या फिर कोई मल्टीपल बॉन्ड वाले को न्यूनतम अंक मिले, ठीक है। तो नेमिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4, तो 4 स्थान पर क्या है क्लोरो है, और सॉरी 3 पोजीशन पे क्या है क्लोरो है, और 2 पोजीशन पे मिथाइल है। फर्स्ट लेटर हर हाल में आप याद रखिएगा कैपिटल होता है, उसके बाद सब स्मॉल हो जाता है, तो क्या हुआ नाम 3-chloro-2-methyl ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन वन ऑल, ठीक है। इसी तरह सब नामकरण किया जाता है। तो आइए अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है ये कहता है इसका IP का नाम क्या हुआ, तो नेमिंग कीजिए, सबसे लंबा चेन चुनिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन, तो उसके लिए वर्ड रूट क्या लगेगा पेंट लगेगा, सब सिंगल बॉन्ड्स जुड़ा हुआ है तो उसके लिए AN लगेगा, ठीक है। अब देखिए ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो डाइमिथाइल कितने कितने पे, 2 पोजीशन पे है और 3 पोजीशन पे है, कार्बन का दूसरा स्थान पे और तीसरा स्थान पे, तो क्या हो गया 2-3 डाइमिथाइल होगा। क्लोरो कितने स्थान पे है, 4 पोजीशन पे है, तो क्या नाम होगा 4 क्लोरो। अब देखिए अल्फाबेटिक ऑर्डर चलेंगे, पहले सी आता है तब एम आता है, तो क्या नाम होगा इसका 4-chloro-2-3-dimethyl, 5 कार्बन के लिए पेंट सिंगल बॉन्ड के लिए एन ई हटेगा और 1 ऑल हो जाएगा, नाम हो गया 4-chloro-2-3-dimethyl पेंटेनॉल या पेंटेन वन ऑल। देखिए सेकंड क्वेश्चन है इथर का ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इथर का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वह ये होता है, ऑक्सीजन से दोनों साइड या तो एल्काइल ग्रुप वह जुड़ा हुआ रहेगा या कोई एराइल ग्रुप जुड़ा रहेगा या एल्काइल एराइल दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका नामकरण जो होता है, इसका IUPAC जो नाम हम करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है एल्कोक्सी एल्केन। हम IUPAC नेम जब लिखेंगे तो एल्कोक्सी एल्केन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए एल्कोक्सी हर हाल में क्या, देखिए याद रखना पड़ेगा आपको, एल्कोक्सी जो है वह एल्केन के ठीक पीछे लगा हुआ है ना, मतलब ये एल्कोक्सी जो होगा एक प्रकार का प्रीफिक्स की तरह कार्य करेगा। एल्केन मतलब क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होगा, वर्ड रूट में हम ये जानते हैं ना कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जितना होता है उसके लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं और सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करते हैं। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, इसमें देखिए 1 2 3 है, इसमें कितना 1 2 है, तो 2 इसमें 2 इसमें 3 है, तो 3 है, मतलब 3 के लिए क्या यूज करते हैं वर्ड रूट प्रोप यूज करते हैं, तो क्या नाम होगा प्रोप होगा नाम, सिंगल बॉन्ड के लिए एन ना एल्केन तो क्या प्रोपेन। अभी क्या है 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ, और लास्ट में क्या लगा देंगे OX लगा देंगे, तो क्या नाम हो जाएगा इथॉक्सी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इथॉक्सी। कितना पोजीशन पे, आप देखिए इथॉक्सी जुड़ा हुआ है, मतलब ये इथॉक्सी जो है कितना पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, किस कार्बन पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो दूसरे कार्बन के पोजीशन पे ये जुड़ा हुआ है, तो 1 2
थ्री, या इस साइड से भी नेमिंग कर सकते हैं 1, 2, 3 ना। तो कार्बन के दूसरे स्थान पर ये ऑक्सीजन ग्रुप, सॉरी इथर का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसलिए क्या यहाँ देंगे हम 2 लगाएंगे, तो 2-ethoxypropane ना, 2-ethoxypropane इसका नाम हो जाएगा। नाम क्या होगा, ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग से अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। ठीक है, तो कितना पोजिशन पर है, पहले नेमिंग कीजिए, ये 1 यहाँ देंगे, फंक्शनल ग्रुप है ना, पावरफुल है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 2,6-dimethyl, क्या नाम होगा इसका, नाम इसका नाम होगा 2,6-dimethylphenol। देखो 2 पोजीशन पे है, कार्बन 2 दूसरा पोजीशन पे है और 6 पे, तो 2,6-dimethylphenol। अगर एक से ज़्यादा नंबर हो तो उसके लिए हम कोमा देते हैं और नंबर वर्ड के बीच में डैश देते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलिए हो गया इसका नाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फोर्थ क्वेश्चन ये है, कहता है इसका नाम क्या होगा। अब देखिए बेंजीन नहीं, ये क्या है, रिंग में है, तो बोले थे आपको प्राइमरी प्रीफिक्स का काम क्या होता है, ये कार्बन कार्बन चेन रिंग में अगर जुड़ा हुआ हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करते हैं। तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, साइक्लो। तो क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा साइक्लो। कितना कार्बन है, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो साइक्लोहेक्सेन ना। ये देखिए ये नाइट्रो ग्रुप है, ये भी क्या है, ये नाइट्रो ग्रुप है, ये क्या है, इथॉक्सी है, फंक्शनल ग्रुप है, तो नेमिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे 1, 2 तो कितना, तो 1 नाइट्रो साइक्लो हेक्सेन, 1-ethoxy-2-nitrocyclohexane। तो आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ गए होंगे आप लोग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस।